दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको पुदरगढ़ धाम लेकर जा रहे हैं और यह वो रास्ता है जहां से होकर के हम पुदरगढ़ धाम जाते हैं। ये सामने आपने बोर्ड देख रहा होगा पुदरगढ़ ही माँ का, यही वो रास्ता है जहां से कि हम पुदरगढ़ धाम जाते हैं। यहां पर माता पुदरगढ़ देवी माई का मंदिर है। दोस्तों लोग यहाँ पर काफ़ी दूरी से, काफ़ी जनसंख्या में काफ़ी भीड़ इकट्ठी होती है, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। और दोस्तों साथ ही यह सुंदर नदी का दृश्य आपने देख रहा होगा, बहुत ही पावन और मनमोहक जगह है ये। हम अपने गाड़ी में चलते हुए कैमरे से यह दृश्य आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सुंदर सुंदर चोटीदार बड़े बड़े पहाड़ों के दृश्य आप देख सकते हैं। यह गेट है, गेट से अंदर की ओर जाते हुए यहाँ पर आप देख रहे होंगे काफ़ी लोग आना जाना कर रहे हैं। और यह रोड बढ़िया बना हुआ है, मेन रोड है, यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जा सकती हैं। ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पर गाड़ियों को रखने की ये जगह है जहाँ पर काफ़ी भीड़ है, गाड़ियों का जमावड़ा यहाँ लगा हुआ है। और आप यहाँ पर लोगों को भी देख सकते हैं, यह गेट है, यहाँ से अंदर प्रवेश करते हैं ये। और यह लोगों का आना जाना आप देख रहे हैं किस प्रकार से लोग आ जा रहे हैं। ये इतनी जनसंख्या में गाड़ियों का जमावड़ा है और बहुत ही सुंदर दृश्य आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिए और देखने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मनमोहक वीडियो और अच्छे शानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर काफ़ी जनसंख्या है जिसका आप देख सकते हैं सुंदर दृश्य। यह मेला लगा हुआ है, यहाँ पर काफ़ी दुकानें लगी हुई हैं और यह बोर्ड है पुदरगढ़ धाम, इसी रास्ते से हम जाते हैं। और यही वह पहाड़ी है जहाँ पर देवी जी का सुंदर मनोरम मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ पर ऊपर जाने के लिए यहाँ सीढ़ियों के द्वारा हम जाएंगे। इससे पहले जो है कि ये सीढ़ियाँ हैं, देखिए दोस्तों, मैं हूँ सूर्यकांत राठौर और मैं आपको आज मंदिर का दर्शन कराऊंगा। दोस्तों यह सीढ़ी हम चढ़ रहे हैं ऊपर की ओर, सीढ़ियाँ काफ़ी ऊंची हैं पर सभी लोग जो है इस सीढ़ियों को पार करके मंदिर की चोटी तक पहुँचते हैं और हम भी इन्हीं सीढ़ियों के द्वारा ही आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यह बहुत ही सुंदर सा दृश्य आप कैमरे पर देख सकते हैं। और यहाँ पर ये पानी जिनको चाहिए होता है, यहाँ से सीढ़ी के कुछ दूरी पर ही ऊपरी भाग पर यह पानी है। और बहुत ही मनमोहक दृश्य, यहाँ पे आप थोड़ा पानी पी करके आप विश्राम कर सकते हैं और विश्राम करने के बाद जो है पुनः आप इन्हीं सीढ़ियों के द्वारा ऊपर की ओर फिर से प्रस्थान करेंगे। हमने भी ऐसा ही किया और फिर ऊपर की सीढ़ियों की ओर जाते हुए तो इस तरह से हम ऊपर की ओर सीढ़ियों के द्वारा ही आगे बढ़ रहे हैं। मैं भी काफ़ी थक चुका था और इस तरह से मैं भी चढ़ रहा था धीरे धीरे।
ये कुछ विश्राम करते हुए यात्री हैं और कुछ यात्री जा रहे हैं, कुछ यात्री आ रहे हैं। यहाँ पर बच्चों, बुजुर्गों एवं दिव्यांगजनों की सुरक्षा के लिए एक बोर्ड लगाया गया है कि सहयोग करें उनका भी, और इस तरह से सीढ़ियों के द्वारा जो है आवागमन कर रहे हैं। यहाँ पर पत्थर के कुछ देवी देवताओं का मूर्ति स्थापित किया गया है जिनको कि पूजा पाठ करते हैं यहाँ के पंडे लोग। ये आपको रास्ते में ही देवी स्थल तक जाने से पहले ही आपको रास्ते में दिखाई देंगे। यहाँ पर कई तरह के सुंदर दृश्य आपको दिखेंगे। ये बहुत ही प्राचीन बने हुए हैं। अब हम यहाँ विजय कुंड की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, यह विजय कुंड है। यहाँ पर आप कुछ सिक्के वगैरह डाल करके इस कुंड में आप अपनी मनोकामना को जाहिर कर सकते हैं। यह है विजय कुंड। तो विजय कुंड का यह मनोरम और सुंदर सा दृश्य हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाएं। और यहाँ पर ये बाबा जी हैं, इनका आप गाना सुनिएगा। से हमने भी इनके गीत को सुना और यहाँ पर आगे बढ़ते हुए हम सीढ़ियों के द्वारा जा रहे हैं। और यह रास्ते में जो है कुछ बंदरों का चहलकदमी करते हुए बहुत ही मनोरम और सुंदर सा दृश्य है ये बंदरों का। ये वानर नहीं है, ये हनुमान हैं। कभी भी किसी भी यात्री को चोट या फिर किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते। और यहाँ पर आप इन वानरों को उनका हनुमान जी वाला रूप देखिए, किस तरह से यहाँ पर ये अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। और इस वानर को देखिए आप, डरा रहा है हमको। और ये छोटा बच्चा उसका बहुत ही सुंदर सा लग रहा है। इस तरह से बानरों का यहाँ खूब जमावड़ा रहता है, काफ़ी बानर यहाँ चहलकदमी करते हैं। और साथ ही यहाँ के सुंदर सा नज़ारा को और भी दृश्य, मनमोहक दृश्य बनाते हैं। तो दोस्तों, हम पहुँच ही गए आपके कुदरगढ़ धाम के गेट पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, लोकनिवास कुदरगढ़ आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। जय माँ कुदरगढ़ी देवी। यहाँ से कुछ यात्री आ रहे हैं और यह अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं हम लोग।
यहाँ एक पार्केट बना हुआ है जो महिला पुरुष के लिए अलग अलग है। इसी की सहायता से काफ़ी भीड़ जो होती है इकट्ठे, वो लाइन बार कतार बाई ऐसे जाती है। और यहाँ पर बाहर का ये दृश्य है जहाँ पर नारियल चुनरी वगैरह चढ़ा करके उसको फोड़ा जाता है। और ये हमारे साथी हैं जो चहलकदमी कर रहे हैं आगे आगे। दोस्तों ये है कुदरगढ़ी धाम, ये मुख्य मंदिर है। ये सामने आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, यही कुदरगढ़ी देवी माई हैं। दर्शन कर लीजिए आप लोग, और आप सभी लोग यहाँ तक आप जो भी देख रहे होंगे वो एक बार यहाँ ज़रूर आइए। बहुत ही अच्छा और सुंदर नज़ारा है यहाँ पर, हमने दर्शन करके बहुत ही आनंदमय हुआ। यहाँ पर पुलिस का भी रहता है जो कि कोई दिक्कत ना हो इस वजह से। यहाँ पर चुनरी मन्नत वगैरह बांधा जाता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और ये बाहर में भी कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं जहाँ पर आप पूजा पाठ कर सकते हैं, इस तरह से दिए वगैरह भी जला सकते हैं आप। पूजा का सारा विधि विधान आप यहाँ पर कर सकते हैं। और काफ़ी लोगों का आप जमावड़ा देख रहे हैं यहाँ पर, यात्रियों का काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हुए होते हैं। और यहाँ ये वो जगह है जहाँ पर कुदरगढ़ी देवी माई का जी को मतलब बलि के रूप में बकरा का बलि दिया जाता है। आप इस यहाँ पर इस चीज़ को आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सफाई कर्मी लगे हुए हैं जो कि निरंतर साफ सफाई यहाँ पर करते रहते हैं। और यहाँ पर ये जो बाबा हैं ये बलि के लिए आए हुए हैं, बलि चढ़ाने के लिए। यही बकरा है जिसका कि बलि दिया जाएगा। इस बलि की कार्यवाही को आप देखिएगा, पर हमने भी कैमरे में रिकॉर्ड किया। जिस समय बलि होता है उस समय के लिए ऑटोमेटिक कैमरा जो है ऑफ हो जाता है एक सेकंड के लिए। आप कैमरे में भी देख सकते हैं बखूबी, निरंतर देखिएगा ध्यान से आप। ये देखिए एक सेकंड के लिए कैमरा हमारा ऑफ हो गया। अब इस चमत्कारिक विषय को आप खुद समझ सकते हैं। इस प्रकार से यह कुर्बानी यानी बलि दिया जाता है बकरे का। और इसके बाद हम पूजा करते हुए तो दोस्तों यह मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, कुदरगढ़ी धाम जिसको बोला जाता है। यहाँ पर कुदरगढ़ी देवी माई जी का मंदिर है ये। और आप सभी लोग भी यहाँ आइए, दर्शन कीजिए, आपको ही बहुत आनंदमय और खुशहाल होंगे आप सभी। यहाँ पर देख रहे हैं आप सेल्फी लेते हुए कुछ लोग, काफ़ी दूर दूर से आते हैं जो लोग, वो सेल्फी लिए बिना रह नहीं पाते। और इस तरह से बाबा पंडा जी हैं जो कि रक्षा सूत्र बांधते हैं। यहाँ पर नित्य रोज हमेशा ऐसा ही भीड़ रहता है, ऐसे ही लोगों का जो है आना जाना लगा रहता है। और खासकर जिस समय पूजा पाठ का समय चलता है उस समय तो काफ़ी भीड़ होता है यहाँ। और ये हम रक्षा सूत्र बनवाते हुए पंडा जी से।
आओ माल ले। दोस्तों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए, और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ज़रूर कर लीजिए सब्सक्राइब इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए। हम आपको ऐसे वीडियो लेकर के आते रहेंगे, ये हम आपको अंदर का कुछ दृश्य आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर देवी माई जी का मुख्य मंदिर है, और ये प्रार्थना करते हुए हम उनसे कुछ विनती कर रहे हैं। लोग भी यहाँ काफी इकट्ठा हुए हैं, सभी अपने अपने और यह हम पूजा करके वापस गेट के पास पहुंच गए। अब गेट से हम सीढ़ियों के द्वारा नीचे उतर रहे हैं, हमारी पूजा हो चुकी है और इस तरह से हम अब प्रस्थान कर रहे हैं। और देख रहे होंगे आप कि कुछ लोग आ भी रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, तो इस तरह से आना जाना यहाँ पर लोगों का लगा रहता है रोज नए हमेशा की तरह। और यह वहाँ की बहुत ही सुंदर सी पहाड़ी का दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं, जिसको कि आप देख करके बहुत ही आनंदित होंगे। ये कैमरे में हम जूम करते हुए पहाड़ी को दिखाने के लिए, बहुत ही सुंदर सा नजारा है दृश्य। इस तरह से रास्ते में जो है यहाँ पर लोग दुकान भी लगाए हुए होते हैं काफी लोगों की सहायता के लिए, उनको पानी प्यास लगा हो तो उनको पानी पिलाने के लिए, जिनको फोटो खिंचवानी हो उनके लिए एक लोकेशन दिया जाता है यहाँ पर अच्छा फोटो लेने के लिए। तो यहाँ पर भी हमने भी एक फोटो के लिए जो है कि खड़े हुए हम, और आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी कई लोग हैं जो कि बहुत ही मज़े से फोटो खिंचा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये बांदर राज को देखिए आप, बहुत ही मज़े से चना खा रहा है, हमने भी इसे कैमरे में कैद कर लिया, बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है ये। इस तरह से आप इन वादियों को आप बहुत ही बखूबी आप देख रहे हैं। ये सीढ़ियों के द्वारा आप नीचे उतर करके जा सकते हैं, आप काफ़ी बानर यहाँ भी आपको दिखाई देंगे। जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे तो दोस्तों ये हनुमान जी का कुछ सुंदर सा पिक जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये हमारा पिक है, मैं सूर्यकांत राठौर। और भी इस तरह की वीडियो लेकर के आता रहूँगा मैं, और भी इससे अच्छे वीडियो बनाऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि हम ऐसे और भी वीडियो आपको आपके सामने उपस्थित कर सकें।